अब कांग्रेस संगठन में बदलाव की तैयारी। गहलोत और पायलट खेमा हुआ सक्रिय। किसकी होगी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी? नमस्कार, मैं प्रशंसा, स्वागत है आपका सन्स इंडिपेंडेंस के शो राजस्थान की राजनीति में। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस संगठन में फेज वार कुछ बदलाव किए जाएंगे। पहले फेज में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति की जाएगी। कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा हो चुकी है, अब नियुक्ति के आदेश जारी करना बाकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में अब राजस्थान में भी जल्द नियुक्ति के आसार है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष पार्टी के कोर वोट बैंक से जुड़े वर्ग से ही बनाया जाएगा। अब तक जितने भी नेता प्रतिपक्ष बने हैं उनमें पार्टी ने यही फॉर्मूला अपनाया है। लोकसभा चुनाव में केवल 5 महीने का समय बचा है, इसलिए जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर ही इस पद पर नियुक्ति होगी। जाट और आदिवासी चेहरों पर दाव लगाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस में 5 से 6 नेताओं के नाम चर्चा में, जिनमें गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, राजेंद्र पारिक, महेंद्रजीत मालवीय, सचिन पायलट में से किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना है। पिछली बार जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था और रामेश्वर डूडी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट फैक्टर हावी रहने के आसार। हाईकमान ने इन दोनों नेताओं की राय भी ली। गहलोत खेमे के नेता भी दावेदार है। आदिवासी चेहरे के तौर पर महेंद्रजीत मालवीय का नाम सुझाया गया है, जबकि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राजेंद्र पारिक का नाम। दोनों ही गहलोत समर्थक। बीजेपी में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी का एक वर्ग ब्राह्मण को प्रमुख पद देने की पैरवी कर रहा है, जिससे सियासी बैलेंस बनाया जा सके। सचिन पायलट को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर प्रदेशाध्यक्ष के पद पर बदलाव टाला जा सकता है। इसी तरह की राजनीतिक जानकारी के लिए जुड़े रहे सन्स इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।